दिल्ली में सिर्फ मौसम की वजह से ही गर्मी नहीं है, इसका एक और कारण दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बेल हियरिंग से भी जुड़ा हुआ है, जहां आपने देखा है कि कैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल कर दी और साथ ही सीबीआई ने भी अब उन्हें अरेस्ट कर लिया है। इस पूरे मामले ने कोर्ट से लेकर पॉलिटिकल लीडर्स के घरों तक गर्मा गर्मी का माहौल बना रखा है। पर इसी बीच दिल्ली का ही एक और चेहरा है जो दिल्ली सीएम के साथ ही सुर्खियों में बना रहा हुआ है, और वो है दिल्ली एलजीवी के सक्सेना। आपको याद होगा कि कल हमने आपको एक केस के बारे में बताया था, जहां सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ट्रीज कटिंग के इश्यूज को लेकर काफी चिंतित थी और हियरिंग में उन्होंने इसे एक ब्रेजन एक्ट करके एड्रेस भी किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी काउंसिल से ये भी सवाल किया था कि उन्हें ट्रीज कटिंग के ऑर्डर्स उनके चेयरमैन यानी दिल्ली एलजी ने दिए हैं। दिल्ली एलजी को डिफेंड करने की कोशिश को पॉइंट आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और शॉकिंग ऑब्जर्वेशन ये नोट की थी कि डीडीए जो केस में एक लिटिगेंट वो हायर जुडिशियल ऑफिसर्स के हेल्प ले रहे हैं। जैसे ही ये बात उनके सामने आई थी, कोर्ट एकदम गुस्सा हो गई और उन्हें कहते हुए सुना गया, कैसे सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स डीडीए के साथ काम कर सकते हैं? हम समझ नहीं पा रहे, हम आपके असिस्टेंस चाहते हैं। डीडीए एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। कल आप कहेंगे कि जुडिशियल ऑफिसर्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ काम करे, ये एक शॉकिंग स्टेट है। डीडीए इस कोर्ट के सामने एक लिटिगेंट है और जुडिशियल ऑफिसर्स इसकी मदद कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? इन्हीं बातों को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को इस बात पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए कहा था, और जिस एरिया में ट्रीज को काटा गया है वहाँ पर एलजी की विजिट के रिकॉर्ड सीक किए थे। वेडनेसडे को जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस अभय एस ओक और उज्जल भुवर ने फिर से टेकअप किया, तो वो काफी भड़के हुए नजर आए। डीडीए को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर देखा गया है, क्यों आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे जून 26 को डीडीए को काफी सख्त शब्दों में फटकार सुनाई, क्योंकि डीडीए एलजीबी के सक्सेना के उस साइट पर विजिट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए जहां पेड़ काटने के कोर्ट के आदेश को वायलेट किया गया था। डीडीए वाइस चेयरमैन की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने बेंच को बताया कि डीडीए रिकॉर्ड्स ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस जवाब से नाराज जस्टिस ओक ने कहा, आपको नोटिस दिया गया है और आप इतनी सिंपल चीज भी नहीं ढूंढ सकते, ये ठीक नहीं है, हम इसे पसंद नहीं करते, हम खुश नहीं है कि आप रिकॉर्ड पर अवेलेबल सिंपल इन्फॉर्मेशन नहीं पा सकते। जस्टिस ओक ने सिंह से पूछा कि क्या वाइस चेयरमैन ने कंसर्न डिपार्टमेंट से इंक्वायरी की थी, रिपोर्ट्स मांगी थी या मीटिंग में प्रेजेंट ऑफिसर से बात की थी। आगे जस्टिस ओक ने कहा कि हम ये सब अपने ऑर्डर्स में रिकॉर्ड करेंगे, जिसके बाद मिस्टर सिंह ने कोर्ट से कहा कि उन्हें प्रोसेस में डाउट नहीं रखना चाहिए, पर जस्टिस ओक ने उन्हें जवाब दिया कि जिस हिसाब से ये सब चल रहा है हमें डाउट्स है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है और कुछ नहीं। सिंह ने हियरिंग में कोर्ट को बताया कि एलजी का जो विजिट था वो हॉस्पिटल के लिए था, न कि कंसर्न्ड साइट के लिए, लेकिन बेंच ने देखा कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को भेजे गए ईमेल्स में बताया गया था कि दिल्ली एलजी ने साइट विजिट करने के बाद पेड़ काटने का निर्देश दिया था। जस्टिस ओक ने कहा, व्हेन कमिटी एंड ईमेल सेज दैट एलजी हैज विजिटेड, वाज इट नॉट द फंक्शन ऑफ द डीडीए टू लुक इनटू इट? यू आर ओनली प्रोटेक्टिंग द हायर अप्स एंड ब्लेमिंग लोअर ऑफिसर्स। दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि अब वो प्रोसिक्यूशन डायरेक्ट करेंगे, वो इज द अथॉरिटी टू प्रोसिक्यूट। उन्होंने सवाल किया, हैज द ऑफिसर ऑफ डीडीए इन्फॉर्म्ड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू टेक पीनल एक्शन? कोर्ट ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ट्री ऑफिसर के पावर्स को अपने पास कर लिया। दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 के तहत डीडीए को लगभग 443 पेड़ काटने की अनुमति देते हुए कोर्ट ने ये भी कहा कि रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि डीडीए ने इसके अलावा 200 पेड़ और काटे हैं। उन्होंने कहा कि डीडीए लैक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए से उस ऑफिसर का नाम मांगा जो एलजी विजिट के टाइम पर वहां मौजूद थे। डीडीए ने अशोक कुमार गुप्ता का नाम लिया, जिसके बाद कोर्ट ने इस ऑफिसर को नोटिस जारी करते हुए ऑर्डर दिया, वी देयरफॉर डायरेक्ट अशोक कुमार गुप्ता टू फाइल अफिडेविट एज टू व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसपायर्ड एंड इफ एनी डायरेक्शंस वर इशूड बाय द ऑनरेबल एलजी। वी मेक इट क्लियर दैट मिस्टर गुप्ता फाइल्स इट नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ डीडीए ऑफिसर बट एज एन ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट। बेंच ने ये भी कहा कि टिम्बर लोकेट करने में भी अथॉरिटीज फेल रही है। जस्टिस ओक सेड ओरली, व्हेन वी इंक्वायर्ड अबाउट द फेल्ड टिम्बर द डीडीए ऑफिसर हैड नो आंसर, वी आर एब्सोल्युटली सर्टेन दैट द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट हैव टेकन the timber. We are confident that this is just the tip of the iceberg. This must have occurred in numerous instances with many trees being cut down. That's why we are taking a firm stance to ensure the message is clear. इस मौके पर जस्टिस ओक ने शर्लॉक होम्स की कहानी सिल्वर ब्लेज का जिक्र किया, जिसमें डिटेक्टिव को क्रिमिनल के बारे में क्लू मिलता है जब वॉच डॉग भौंकता नहीं है। जस्टिस ओक ने कहा,
हम ये जानने के लिए क्यूरियस है कि डॉग क्यों नहीं भौंका, क्योंकि सब कुछ छुपा दिया गया है, किसी ने ऑब्जेक्शंस उठाना नहीं चाहा। जब एक इनसाइडर ये करता है तो कोई नहीं भौंकता, ये शर्लॉक होम्स कहानी का मॉरल है। आगे जस्टिस ओक ने डीडीए वाइस चेयरमैन को ये भी कहा कि कोर्ट का इरादा उन्हें जेल भेजने का नहीं है, लेकिन सच्चाई बाहर आनी चाहिए। हमने कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें जेल भेजना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सच बोलना चाहिए कि किसने निर्देश दिए। अगर सबसे ऊंचे अथॉरिटी ने कुछ गलत किया है तो कोर्ट को बताने में कोई गलत बात नहीं है, सच्चाई बाहर आनी चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को भी पेड़ काटने की अनुमति देने के लिए फटकार लगाई और नोटिस जारी किया, ये कहते हुए कि दिल्ली गवर्नमेंट से कई जवाब चाहिए। कोर्ट ऑब्जर्व्ड, द स्टेट गवर्नमेंट नीड्स टू एड्रेस सेवरल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग हाउ इट कैन अज्यूम द अथॉरिटी ऑफ द ट्री ऑफिसर टू ग्रांट परमिशन। द दिल्ली गवर्नमेंट मस्ट क्लैरिफाई हाउ सच ब्लेटेंट इलीगलिटी अकर्ड डिस्पाइट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बीइंग फुली अवेयर ऑफ द डीडीएस सीरियस वायलेशन ऑफ द 1994 एक्ट। नो एक्शंस हैव बीन टेकन टू प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल ऑफेंडर्स। हियरिंग में कंटेम्प्ट पिटीशन पर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली को प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से नोटिस जारी किया गया। सेक्रेटरी को अफिडेविट फाइल करते हुए ये समझाना होगा कि गवर्नमेंट ने पेड़ काटने की अनुमति कैसे दी और क्यों डीडीए द्वारा एक्शन नहीं लिया गया। ये सब उन्हें जुलाई 22 तक करना होगा। जहां एक और दिल्ली गवर्नमेंट को भी इस केस में फटकार पड़ी है, वही आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा है, मैं उन सब अखबार के साथियों को कहूंगा, चितरंजन पार्क के अंदर ड्रेन बन रही हो, पेड़ की जड़ दिख जाए, अखबार का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आधे पेज की खबर छपती है, आधे पेज की, अंग्रेजी के अखबार हैं, उन्हीं अंग्रेजी के अखबार के मित्रों को मैं कहना चाहूंगा, 1100 पेड़ कटे हैं, देख हम भी रहे कि आप क्या छाप रहे हो, पूरी दिल्ली देख रही है, दोस्ती निभाइए, मगर कम से कम दिल्ली के लिए तो बात कीजिए। जो एनवायरमेंट के बारे में इतना लिखते आए हैं, वो 1100 पेड़ों के कटने पे ऐसे चुप बैठे हैं, ये बात अच्छी नहीं लगती, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और साफ साफ सबूत है, मैंने आप लोगों को दिखाए और मैं व्हाट्सएप पे भी डालूंगा, उसको आप लोग करिए, और ये 1100 पेड़ों का मामला है, इसको आप लोग भी उठाइए, तभी जो है आगे इस तरीके की चीज़ों को रोका जा सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। सब लोग मिले हुए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिला हुआ है, डीडीए मिला हुआ है, एलजी साहब मिले हुए हैं, और धोखा किसको दे रहे हैं, दिल्ली को, दिल्ली की हरियाली को, और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को, वहां जाके झूठ बोला जा रहा है और बार बार बोला जा रहा है। आपको बता दूं कि ये पूरे मामले में डीडीए वाइस चेयरपर्सन एक कंटेम्प्ट केस की सामना कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कैपिटल के रिच फॉरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के विरोध में पेड़ काट दिए। जून 24 को जस्टिसेस अभय एस कोक और उज्जैन भुवन की बेंच ने नोट किया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को भेजे गए ईमेल्स में साइट विजिट के बाद दिल्ली एलजीवी के सक्सेना द्वारा पेड़ काटने के डायरेक्शंस का जिक्र था। जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इन ईमेल से इनकार किया, तब कोर्ट ने डीडीए को एलजी के विजिट के बारे में क्लैरिफिकेशन देने और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दिखाने को कहा था, पर डिटेल्स ना मिलने की वजह से वेडनेसडे को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का हीट फेस करना पड़ा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट मैटर में क्या सुनने को मिल सकता है। एंटिल देन, की फॉलोइंग लॉ चक्रा।